नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर सुशील नाहर, जोधपुर राजस्थान में प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जन हूँ। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डेफिनेटली समृद्धि तो आई है, पर उसके साथ साथ एक्सीडेंट्स एंड ट्रॉमा भी काफ़ी बढ़ गए हैं। उसी के संदर्भ में एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिसमें आप मान सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, और भी तरह की इंडस्ट्री है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, या लड़ाई झगड़े के अंदर किसी का हाथ या पैर कट जाता है, तो प्रथम दृष्टा आपको ऐसा ही लगता है कि वो कभी जुड़ नहीं सकता। पर अगर हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, अपना कॉमन सेंस यूज करें और उस स्थिति में घबराएं नहीं, तो हम किसी का अंग बचा सकते हैं और उसका प्लास्टिक सर्जरी, जो माइक्रो सर्जरी एक तरह की सर्जरी है, उससे हम अंगों को वापस जोड़ भी सकते हैं। तो उसका कैसे जोड़ा जा सकता है और कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, उसका एक छोटा सा तरीका है। उसमें तीन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं: प्रिजर्वेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रीच एज अर्ली एज पॉसिबल टू इक्विप माइक्रो सर्जिकल सेंटर। सो प्रिजर्वेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस कटे हुए अंग को आप एक क्लीन पॉलीथीन बैग में डालना होता है, और उसके बाद उसको आइस बॉक्स में रख सकते हैं। कभी आपको उस स्थिति में कॉमन सेंस यूज करना है कि आपके पास पॉलीथीन बैग नहीं, कुछ ग्लव्स है तो उसको भी रख सकते हैं, और दूसरा यह है कि अगर आपके पास आइस बॉक्स नहीं है तो उस पॉलीथीन बैग को, जिसमें आपने कटा हुआ अंग रखा है, उसको एक दूसरे पॉलीथीन बैग में डाल सकते हैं जिसके अंदर बर्फ पड़ा हो, या कई स्थिति में आसपास पीएचसी हो तो वहाँ पे वैक्सीन ट्रांसपोर्ट के लिए जो बॉक्सेस रहते हैं उसके अंदर भी रिस्टोर किया जा सकता है और आप कैरी कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो उसको प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पे लेके जाएं, जहाँ पर ये अंग जुड़ने की व्यवस्था हो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्या नहीं करना है, कि आप उस कटे हुए भाग को डायरेक्ट आइस के कांटेक्ट में नहीं रखना, या आइस में नहीं रखना, या सलाइन में नहीं डालना है, नहीं तो उससे उसकी नसें डैमेज हो जाती है और फिर वो जुड़ नहीं पाता है। और दूसरा है कि आप अंग प्रिजर्वेशन के साथ में ये भी ध्यान रखता है कि जहाँ से पार्ट कटा है वहाँ भी ब्लीडिंग होती है, तो उसको, अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसको तुरंत ही उसको कवर करके, और आप उसका ब्लीडिंग को भी रोकना है सेम टाइम। तो ये तो आपका प्रिजर्वेशन ट्रांसपोर्टेशन हुआ। उसके जब हम इस पर क्या एम्फेसिस दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचते हैं उतना ही टाइम फ्रेम के अंदर आप अंग का डैमेज कम होता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई जितना जल्दी रिस्टोर करेंगे उतना ही जल्दी उसका मसल डेड होना कम होगा और बढ़िया से बढ़िया वो फंक्शन करेगा। अगर हम टाइमली अगर सर्जरी करें तो हम उसके फंक्शंस को भी नियर नॉर्मल लौटा सकते हैं, और वही मतलब माइक्रो सर्जरी का उद्देश्य भी है। तो उससे अगर हम कटे हुए अंगों को जोड़ते हैं तो एक पेशेंट जो अपंगता के कारण आप अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उसका, या डिप्रेशन में है पेशेंट, या फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाली है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं और सेम टाइम उसको वापस मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं और उसको एक हम प्रोडक्टिव सोसाइटी का पार्ट बना सकते हैं। जय हिंद।